हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं करा है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो लास्ट डेट है वो 15th ऑफ दिसंबर है, जिसके पहले आपको जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है। और अगर आप नहीं पे करते हो तो 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के बीच अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उस केस में आपको ₹1100 का जो है लेट फी लग जाएगा, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा हार्शली काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप 15th ऑफ दिसंबर के पहले ही फॉर्म फिलअप कर ले, राइट? तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उन सबको भी देखेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जहां से उनको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यूनिट वाइज भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप स्टडी करके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, राइट? तो अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 17th ऑफ नवंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था, विच इज गोइंग टू एंड ऑन 15th ऑफ दिसंबर। एंड इन दैट पीरियड इफ यू विल फिल अप द फॉर्म, यू विल नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ लेट फी, राइट? यू विल जस्ट हैव टू पे ₹200 पर कोर्स। अगर आपका छह कोर्स हैं, अगर आप छह कोर्सेज का एग्जाम देना चाह रहे हो तो फिर आपको ₹1200 लगेंगे, राइट? लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद, 15th ऑफ दिसंबर के बाद, आज 13th है, 15th के बाद अगर आप 16th से अगर आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हो, 31st के भीतर अगर आप कर लेते हो, तो आपको ₹200 जैसे पर कोर्स लगने थे वो तो लगेंगे ही, साथ ही साथ आपको ₹1100 का भारी भरकम आपको जो है पे करना पड़ जाएगा लेट फी, विच इज नॉट गुड आई गेस। तो और कई लोग ये नहीं करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लें 15 दिसंबर के पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप के करने के पहले इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्री रिक्विजिट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, यहाँ पे जो मेन बात है वो दूसरे नंबर पॉइंट पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन द कोर्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय द ड्यू डेट वेयर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ योर प्रोग्राम। तो आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो लास्ट डेट था वो 15th ऑफ सितंबर था, बट उसको एक्सटेंड कर करके अभी 31st ऑफ दिसंबर हो गया है। सो यू गाइस स्टिल हैव टाइम, इफ यू हैवंट सबमिटेड योर असाइनमेंट येट, तो 31st ऑफ दिसंबर तक आपके पास टाइम है अपना असाइनमेंट को सबमिट करने का। उसको करने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करो, या फिर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो लेकिन इतना ध्यान में रखो कि आपको 31st के पहले आपको अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है, अदरवाइज आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो ये दूसरा नंबर पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ द क्लैश ऑफ एग्जाम डेट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। क्लैश ऑफ एग्जाम्स अगर होगा तो आप एक ही दिन में दोनों पेपर दे पाओगे, एट द सेम टाइम आपको जो है टाइम अलॉट कर दिया जाएगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट किन किन केसेस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वो चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, बट ऐसा बहुत ही कम चांसेस ऐसा होने का, तो इस बारे में हम बात नहीं करते हैं। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हु फेल्ड टू अपीयर इन द टर्मिनेट एग्जामिनेशन जून 2021, जो कि अगस्त सितंबर में हुआ था, एंड देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायरिंग इन जून 2022, फॉर दैट पर्पस द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू दिसंबर 2021। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स थे जिनकी जिनका रजिस्ट्रेशन जो है, जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिलता है मास्टर्स का, वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, आपको पता होगा। तो 5 साल जो है आपका जून 2021 में खत्म हो रहा था सपोज, राइट? लेकिन अगर आपका तब खत्म हो रहा था और अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस, कोविड प्रोटोकॉल्स था और भी बहुत सारी चीजें थी, तो आपका जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा करके 5-6 महीने बढ़ा दिया गया है। मतलब आप दिसंबर 2021 तक आप एग्जाम दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी जून 2021 में, जिनका 5 साल पूरा हो रहा था। आई होप ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ये किस्सा होगा, है ना? तो इट इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न, इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लीव इट। नाउ आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस आप में आप प्रेफर्ड हैं आप उन सारे लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंग्लिश चूज करा है तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा, यू कैन राइट इन हिंदी एज वेल, सो उसमें कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगी।
ठीक है ना। तो ये तो बात होगी, अब नीचे की तरफ चले आते हैं, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो यहाँ पे एक लाइन, एक जो क्वेश्चन मुझसे पूछी जा रही थी बार बार कि सर क्या हमारा फी जो है वो एडजस्ट होगा, तो मैं बता दूं ये फी एडजस्टमेंट वाला फंडा जो है बहुत पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है बोल्ड में, एग्जामिनेशन फी वंस पेड शैल नीदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंडेड इन एनी केस। तो ये चीज जो है आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने के बारे में बोला जा रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे तो केयरफुली चूज करें, क्योंकि आपने अगर एग्जामिनेशन सेंटर जो चूज करा है आपको वहीं पे एग्जामिनेशन मिलने के चांसेस ज्यादा है, मतलब आपको वहीं पे एग्जाम देना होगा। तो गलती से अगर आप कहीं गलत एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेंगे तो फिर इग्नू के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपको फिर वहीं जाकर के एग्जाम देना होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो एग्जाम सेंटर है उसको आप अच्छे तरीके से चुन लें, चॉइस कर लें, राइट। और जो एग्जाम सेंटर है वो देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट किया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे मिल जाएगा अपना एग्जाम सेंटर का कोड। कई जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण जो है इग्नू जो है सम टाइम्स उसको बगल वाले जो एग्जाम सेंटर होता है वहां पे शिफ्ट कर देती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप फॉर्म फिलअप जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर लो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, ठीक ना। तो ये उसके नीचे बहुत सारी फी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन सब के ऊपर डिटेल में नहीं बात करूंगा। अब नीचे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप, अच्छा हॉल टिकट कब इशू होगा, हॉल टिकट इशू तकरीबन एग्जाम से 15 दिन पहले जो है इशू होता है। मैं उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे दे दूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ रिगार्डिंग हॉल टिकट और एनीथिंग रिगार्डिंग कोर्सेज तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। इसीलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी उनसे बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन को टिक करते हुए, ये मैंने टिक करके रखा है ऑलरेडी, टिक कर लिया मैंने, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना कोर्स चूज करना है, प्रोग्राम कोड जो है आपको अपना देना है। आपका प्रोग्राम कोड होगा एमकॉम, राइट। एनरोलमेंट नंबर जो भी है आपका आप उसको दे दो, मैं अपने एक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर आपको दे करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सो थैंक्स टू रमेश राम, 2000529 2480, राइट। सो ये इनका जो है एनरोलमेंट नंबर है। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने कोलकाता सपोज चूज करके रखा अपना सेंटर रीजन, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं सेंटर रीजन सपोज इन्होंने कोलकाता चूज करके रखा हुआ है तो कोलकाता में चूज कर लेता हूँ। और आगे चलते हैं, यहाँ पे सबमिट करूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे तीन पॉइंट देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि पर कोर्स आपको 200 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, 200 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ असाइनमेंट जो है वो आपको जमा करवा देने हैं और जो रजिस्ट्रेशन है कोर्स का वो वैलिड होना चाहिए, वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 साल बाद एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। हालांकि ऐसा ऐसी गलती सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग ही ऐसी गलतियां करते हैं। तो एग्जामिनेशन फी आपको 200 रुपए करके देना है, आपको ध्यान में रखना। साथ ही साथ आपका जो असाइनमेंट है वो आपका सबमिशन हो जाना चाहिए दिसंबर के पहले, वो आपको ध्यान में रखना है। सबमिट जैसे ही आप करोगे आपका जो आप सारा का सारा जो पोर्शन है वो सारा खुल जाएगा जहां पे आपको सारी की सारी जानकारी डालनी है। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कोड सही से डालना, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो यस नो करके, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डाल देना है, जेंडर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप हो या नहीं हो वो आपको डाल देना है। जहां जहां पे ये एस्ट्रिक का साइन है, ये देखो ये जो एस्ट्रिक का साइन है याद रखना कि इन सबको फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें कर लेने के बाद नीचे में आपको आना है आपके कोर्स को चूज करने के लिए, मतलब कौन कौन से कोर्स का आप एग्जाम देने वाले हो। सपोज आपको आईबीओ 1 का पेपर देना है तो आईबीओ 1 आपने क्लिक कर दिया, आईबीओ 2 आपको देना है आपने आईबीओ 2 क्लिक कर दिया, सपोज एमसीओ 1 आपको देना है तो आपने एमसीओ 1 क्लिक कर दिया। जो जो पेपर आप एलिजिबल हो देने के लिए उन सारे पेपर्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे असाइनमेंट आपका ऑटो है, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, और फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप कर देंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको पेमेंट करना है अपने फी का। तो सपोज मैंने अभी 3 कोर्सेज चूज करे हैं तो मुझे 600 रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। आप जितना कोर्स चूज करोगे उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको उतने रुपए जो है पे करने हैं इग्नू को एग्जामिनेशन फी के रूप में। तो यहाँ पे मैंने सबमिट करा, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यस यस नो करने के बारे में बोलेगा क्योंकि मैंने डाला नहीं है सब कुछ। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे करने को है नहीं, आपको सारी जानकारियां यहाँ पे अच्छे तरीके से डालनी है, डालने के बाद सबमिट करनी है और करने के बाद फिर जो है आपको फॉर्म फिलअप के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा और आपको फिर जो है एग्जामिनेशन फी को पे कर देना है। सो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चल जाए कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 15th ऑफ दिसंबर है। तो 31st ऑफ दिसंबर, लेकिन अगर आप
31 दिसंबर का वेट करोगे तो फिर आपको 1100 रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जो है लेट फी आपको पे करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्यों क्यों पढ़ना भाई, है ना, 1100 रुपए पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 15 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लो ताकि आपको किसी तरह का पेनल्टी फी ना पे करना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।